गुरुवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय न्यायी महासभा राम सिंह ठाकुर ने बीते 31 मई को जालसाजों द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर 91,500 रुपए निकालने के विरोध में और अपनी अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जालसाजों ने एटीएम कार्ड बदलकर भारी भरकम रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा हिलाहवाली हो रही है। कोई भी कार्रवाई नहीं होने के उपरांत मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ नेता न्यायी महासभा राम सिंह ठाकुर ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे। ये भी निकाला 40 दिन 10,000 करके 1:30 बजे मान के चलिए आप आइए जब बदल करके 91,000 चिलुआ ताल के कह रहे हैं हमारे सीमा में नहीं है, कोई तो वो कहे कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सर हम तो भारतीय स्टेट बैंक झुंगिया बाजार में हमारे भाई का खाता है, उनका जो है पासवान आवास के पास HDFC ATM है, वहाँ से 91,500 रुपया 31 मई को किसी जालसाज ने ATM बदल करके निकाल लिया, और निकालने के बाद जब हम लोगों को मालूम हुआ तो शाखा प्रबंधक से मिले, उन्होंने इसकी पुष्टि की कि 91,500 रुपया आपका निकाल लिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने चिलुआतार और गुलहरिया थाने पर जा कर के अप्लीकेशन दिया, दोनों लोगों ने कह दिया कि हमारे सीमा क्षेत्र में नहीं है। उसके बाद मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के चौखट पर गया, वहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। वहाँ पर क्या बोले, किस थाने में पड़ा? वो बोले गुलहरिया बोले कि चिलुआ ताल में है, और चिलुआ ताल बोल रहे हैं कि गुलहरिया में है, और गुलहरिया चौकी के इंचार्ज जो है लिखित दिए हैं कि हमारे सीमा में ये नहीं है बल्कि चिलुआ ताल में है, चिलुआ ताल इसको जाँच करें। पुलिस अधीक्षक के पास मैं गया तो वहाँ SPCT बैठे हुए थे, वो शायद मेरा एप्लीकेशन ले करके उस पर कुछ लिखे, मुझे नहीं बताया गया लिखे कि गुलहरिया थाना मुकदमा कायम करे। आज तक मुझे कोई भी इसकी जानकारी नहीं हुई कि मुकदमा कायम भी हुआ और कि कागज लेकर के रख लिया गया मुझे सांत्वना देने के लिए। राम सिंह ठाकुर, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय न्यायी महासभा के वरिष्ठ नेता हूँ।